हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है शर्म। सुनो दीपक, मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। आज जिद कर रहे थे कि बाहर मॉल में झूला झुलवाने ले जाऊं, तो प्लीज़ ऑफिस जाने से पहले कुछ पैसे रख जाना। सुबह के 9 बजे रसोई के कामों में व्यस्त कनिका दीपक को यह सब बोलते हुए इस बात से अनजान थी कि दीपक का दिमाग कुछ अलग ही दिशा की ओर चल रहा था। पैसे, अरे यार, अभी पिछले हफ्ते ही तो दिए थे तुम्हें 2000 रुपये। ऊपर से हमारी एनिवर्सरी वाले दिन भी तुम्हें 2000 दिए थे, यानी कुल मिलाकर 4000 रुपये होने चाहिए तुम्हारे पास। वो सब कहाँ गए? सब घर खर्च में लग गए दीपक। 4000 रुपये खर्च हो गए, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। हद है कनिका, कितनी खर्चीली हो तुम, जरा भी देखकर खर्च नहीं करती। लगता है तुम्हारे हाथों में छेद है या फिर तुम पैसे खाती हो। नौकरी में सैलरी नहीं बढ़ती, लेकिन तुम्हारे खर्चे जरूर बढ़ जाते हैं। मैं कैसे कमा कर लाता हूँ तुम्हें पता नहीं। खैर, अभी मेरे पास कैश तो नहीं, लेकिन ऑफिस जाकर अकाउंट ट्रांसफ़र कर दूंगा, निकाल कर कर लेना इस्तेमाल। दीपक की कटाक्ष रूपी बातें सुनकर कनिका का मन आज फिर दुखी हो गया था। हर बार दीपक की यह बातें उसे बहुत कुछ समझा जाती थी। कनिका गुस्से को शांत कर कड़वा घूंट पीते हुए बोली, तुमने सही कहा दीपक, बहुत खर्चीली हूँ। तो चलो क्यों ना इस बार कुछ अलग हटकर किया जाए। जो तुम मुझे हर हफ्ते पैसे देते हो ना, जिन्हें मैं जल्दी जल्दी खर्च कर देती हूँ, वो आज से तुम मुझे देना बंद कर दो। मतलब फिर तुम कैसे करोगी सारा खर्चा? मैं नहीं दीपक, अब से तुम करो सारा खर्चा खुद। मैं तुम्हें हर हफ्ते बच्चों के सारे सामान की लिस्ट बनाकर दूंगी, जो तुम मुझे इतवार को अपनी छुट्टी वाले दिन लाकर दे देना। मुझे तो सामान से मतलब है, फिर क्या फर्क पड़ता है वो मैं लाऊं या तुम। कहते हुए कनिका बर्तन धोने लगी। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। दीपक ने खुशी खुशी कनिका की बात मान ली। अगले दिन ही रविवार था। कनिका ने दीपक के हाथ में एक लिस्ट थमा दी, जिसमें वो सारा सामान व खर्चा लिखा था जो इस पूरे हफ्ते दीपक को करना था। छोटी बेटी के डायपर, दवाइयाँ, बड़ी बेटी के स्कूल में फंक्शन के पैसे, चाय नाश्ते का सामान, इसके अलावा भी कुछ अन्य चीज़ें जिनको रोज़मर्रा के जीवन में अहमियत होने के कारण दीपक सब मार्केट से ले आया था। 3 हफ्ते बीत चुके थे। हर रविवार दीपक लिस्ट लेता व सामान ले आता। कनिका भी खुश थी कि अब उसे ज़्यादा खर्चीली होने का ताना नहीं सुनना पड़ेगा। आज फिर रविवार था। कनिका द्वारा दी जाने वाली लिस्ट को लेने से नकारते हुए दीपक तपाक से बोल पड़ा, मुझसे नहीं होगा, जिसका काम उसी को साजे। मेरा काम कमा कर लाना है और तुम्हारा हमारी गृहस्थी को चलाना। मैं गलत था कनिका, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मुझे लगता था कि तुम एक्स्ट्रा खर्चा करती हो, लेकिन जब से यह सब मैंने अपने हाथ में लिया, तब जाना कि इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च ही नहीं है। सारे पैसे तो घर का सामान, बेटियों का सामान खरीदने में खर्च हो जाते हैं, तो तुम्हारे खुद के लिए भी कुछ नहीं बचता होगा। ऊपर से महंगाई इतनी है कि मैं तो हर बार लूट कर ही आ जाता हूँ, लेकिन तुम तो फिर भी मोल भाव करके बचत कर लेती हो। यह लो पैसे और तुम ही संभालो सब कुछ, जब जरूरत हो और मांग लेना। कहते हुए दीपक ने कनिका के हाथ में पैसे दे दिए। दीपक की बातें सुनकर कनिका ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वह जान गई थी कि दीपक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब पता चला दीपक, मैं खाना खाती हूँ पैसे नहीं। कनिका की यह बात सुनकर जहाँ एक ओर दीपक को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, वहीं दूसरी ओर कनिका की हल्की मुस्कान खुशनुमा वातावरण बनाने के लिए काफ़ी थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।